हाथरस सत्संग कांड की एक पीड़ित महिला को आगरा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहां पर इन मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था की गई है, तो वहीं महिला के पति ने जो आरोप लगाए हैं उनसे हड़कंप मचा हुआ है। महिला के पति का कहना है कि सत्संग में जो भगदड़ हुई वह भारी लोगों की देन है। हाथरस में जिस जगह ये घटना हुई है उस जगह पर उस प्रेजेंट में वो उस समय मौजूद था। वहाँ मैंने ये देखा है कि हम लोग जब भी सत्य के साथ में जाते हैं तो किसी से टच होना भी पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा कि कुछ लोग आए और उन्होंने धक्का मुक्की की और वहाँ इस तरीके से धक्का दिया लोगों को, मैंने ये देखा। और लोग नाले में गिर गए और एक के ऊपर एक दब गए, मैं भी दब गया था, मेरी ये वाइफ है ये भी दब गई थी। मैं तो निकल आया पर ये इनकी चोट आ गई। वहाँ हालत बहुत भयावह हालत थी, बॉडी इस तरीके से पड़ी हुई थी, लाशें, ना कोई प्रशासन था, कोई भी नहीं था बॉडियों को उठाने वाला ना। मैंने भी वहाँ दो चार लोगों को निकाला, देखा है मैंने, वहाँ प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद ही नहीं मिली। बहुत बड़ी लापरवाही हुई, प्रशासन का तो कोई मदद थी नहीं हमारे लिए। जी जी ये मेरी वाइफ है, ये हेमलता है, मैं रात को 10 बजे यहाँ लेकर आया, इनको परेशानी बड़ी। तीमारदार के इस बयान से हड़कंप मचा हुआ है। उनका कहना है कि सत्संग के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। जुड़ रही आप पब्लिक वाइब से।